सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीओ क्या होता है। आईपीओ क्या होता है हम डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसको हम आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, अब हम नाम से ही समझते हैं, इनिशियल यानी फर्स्ट टाइम। इनिशियल कोई भी चीज़ हम बोलते हैं ना, इनिशियल स्टेज में यानी शुरुआत के दिनों में। इनिशियल पब्लिक यानी कि आम जनता। ऑफरिंग यानी हम जब उनको कुछ देते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब हम कोई भी चीज़ पब्लिक को देते हैं उसको हम आईपीओ बोलते हैं। अब हम इसको बिजनेस पर्पज से पढ़ेंगे। ठीक है, बिजनेस पर्पज यानी जब कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, और ये जो कंपनी है इसको जब कैपिटल रेस करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, कैपिटल रेज करनी पड़ती है, किससे, फ्रॉम पब्लिक। अब ये बताओ, जब कोई भी कंपनी पब्लिक से पैसा लेगी तो बदले में तो कुछ देगी ना, बदले में क्या देगी, बदले में देगी ये शेयर्स। ठीक है, कंपनी देगी शेयर्स और पब्लिक देगी मनी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसको हम बोल इसी प्रोसेस को हम आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ में क्या है, व्हेन, अब इसके हम डेफिनेशन अगर पढ़ें तो व्हेन कंपनी इशू शेयर, व्हेन कंपनी इशू शेयर टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेज फ्रेश कैपिटल फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन इज कॉल्ड आईपीओ, और वी कैन से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आप इसको कभी भूलेंगे तो नहीं, देखो रिवाइज कर देता हूं दोबारा से। कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को जब शेयर इशू करती है इन द एक्सचेंज ऑफ फ्रेश कैपिटल, इसको हम आईपीओ बोलते हैं। अब हम इसके एग्जांपल अगर पढ़ें तो पेटीएम इज़ द बेस्ट एग्जांपल, एलआईसी इज़ द बेस्ट एग्जांपल। पेटीएम अभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई थी रिसेंटली। ठीक है, तो पब्लिक को शेयर इशू किए थे पेटीएम ने, और बदले में इन्वेस्टर्स ने क्या किया था, यानी पब्लिक ने मनी दी थी इनको। तो इसको जब फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज में आती है तो हम इसको आईपीओ बोलते हैं। जब एलआईसी कंपनी ने अपना शेयर निकाला था, फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर दे रही थी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। यानी जब कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, और ही दैट कंपनी इशूइंग शेयर टू द पब्लिक, दैट शेयर इज कॉल्ड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आ गया समझ में? ओके, इस वीडियो को तो अब हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।